भगवान, आज तो मेरी प्रार्थना सुन ले। ये भी नौकरी नहीं मिली तो जीना मुश्किल हो जाएगा। दो उम्मीदवारों में से एक ही को नौकरी मिलने वाली है। जब यहां तक लाए हो भगवान, थोड़ी सी मदद और करना। अगर ये नौकरी मुझे मिल गई तो कर्जे के कीचड़ से निकलकर अपनी गाड़ी रास्ते पर आ जाएगी। मेरी बेकारी और मां की लाचारी सब तुम्हारे सामने। अब तो कृपा करना मुरारी, कृपा करना। प्रभु, क्या गुनाह किया है मैंने? मेरी बेचारी माँ और बीमार बापू, भूखे नंगे भाई बहनों ने किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? बापू ने सबका पेट काट काट कर मेरी पढ़ाई में लगा दिया ताकि बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं। 5 साल से एक मोहताज की तरह भटक रहा हूं। इस नौकरी में बिना चुना गया तो किसी नदी नाले में डूबकर जान दे दूंगा। दोस्त, हम दोनों एक ही मझधार में फंसे हुए हैं। दुनिया की नदी का कुछ दस्तूर ही ऐसा है कि हम दोनों एक ही किनारे पर नहीं उतर सकते। तुम तैर जाओ, मैं कोई दूसरा किनारा ढूंढ लूंगा। ये नौकरी तुम्हें मुबारक। वो आया मंदिर? हाँ माँ, गया तो था लेकिन भगवान जी आज जरा बिजी थे। अरे भगवान जी को तो बख्श दे बाजे कहीं का। चल जल्दी से तैयार हो जा, नाश्ता तैयार है। नहीं माँ, आज वो। हाँ भाई, अगर इंटरव्यू में तुमसे सवाल पूछे कि मेंढकों की कितनी किस्में होती है तो क्या जवाब दोगे? और गधों के बारे पूछे तो? गुड इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कहना 7 किस्में होती हैं, गधा, खोता, टट्टू, खच्चर, पौनी, लद्दू, ये हुई छे। और 7वीं ग्रेजुएट, वो तू है ही। छोड़ यार, ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे रख लेना जो बता रहा है, पता नहीं क्या पूछ बैठे। अरे हाँ, वो तेरे सर्टिफिकेट्स की कॉपीज बन गई हैं, अभी लेकर आता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। नहीं चंदू, रहने दे। अरे लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं होगी। क्यों, जरूरत क्यों नहीं? माँ, मैं ये इंटरव्यू पे नहीं जाऊंगा, मुझे नौकरी नहीं लेनी। नहीं लेनी, क्या मतलब? माँ वो रमेश है ना, उसे इस नौकरी की ज्यादा जरूरत है। उसके घर वाले भूखों मर रहे हैं। समझी, और हम गुलछरे उड़ा रहे, 56 भोग खा रहे। क्यों, 3 साल से तू बेकार घूम रहा है। पता है, लोगों से उधार ले लेकर तेरी पढ़ाई की, और ये सब कुछ जानते हुए भी तुझे मेरी हालत पे रहम नहीं आया। उसकी बेबसी मुझसे देखी नहीं गई माँ, मैं क्या करता? क्या करता? हम पर किसी ने रहम किया है आज तक? बोल। देखा चंदू, भिखारी को भीख देते हुए देखा है किसी ने? और तू नौकरी दान करके चला आया। मन की मजबूरी में शायद ही गलती कर बैठा माँ। मन के अलावा पापी पेट भी होता है आदमी का, वो तो भूल गया। मैंने कैसे दिल गुजारे ये मैं ही जानती हूँ, तुझे क्या। Thank you.
करोड़पति बाप की बेटी, हाल ही में लंदन से वापस आई। लड़की बड़े मॉडर्न ख्याल थी, लेकिन इसका बाप इसके लिए अपनी बिरादरी में कोई लड़का ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब वो रहा चौधरी, 40 करोड़ की दौलत पर बुड्ढा साफ बनकर बैठा हुआ। इसके मरते ही इसकी पूरी दौलत की मालिक इसकी बेटी और दामाद बन जाएंगे। लगता है आज फिर बुड्ढा अपनी बेटी को दिखाने के लिए किसी कबूतर को पास कर लाया है। हाय डैड। आओ बेटी मीना, में तुमने बहुत देर कर दी, इनसे मिलो। यह है मेरे दोस्त सेठ करोड़ी मल और यह इनका बेटा, क्या नाम है। हेलो। नमस्ते। जाओ जाओ बेटा, आपस में बातें करो, जाओ जाओ। चलिए चलिए चलिए। चौधरी, लड़की बड़ी तेज मालूम। हाँ जी, नहीं नहीं, अभी विलायत से आई है, फिर आजकल जानते हैं जमाना ही कुछ। मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल क्यों? क्योंकि आपके डैडी मुझे घर जमाई बनाना चाहते हैं। ओह आई सी, तो आप मुझसे शादी करेंगे मिस्टर? जी, अगर आप मुझे पसंद आई तो। सवाल आपकी पसंद का नहीं, मेरी पसंद का है मिस्टर जी। एनीवे, आप फॉरेन गए? जी नहीं। खाना पकाना आता है? जी नहीं। कपड़े धोने आते हैं? जी नहीं। बर्तन मांजने आते हैं? जी नहीं। जी नहीं जी नहीं, तो घर गृहस्थी कौन चलाएगा, मेरा बाप? जी हाँ। जी नहीं, आपके बाप की बेटी मैं। मुझे क्या नौकरानी समझ रखा है? जी नहीं। नाचना तो आता होगा? जी नहीं। तैरना आता है? जी हाँ। जी नहीं। डूबना आता है? जी हाँ। तो तू अरे चौधरी, मेरे बेटे को तुम्हारी अकेले कुआना बांटा। अरे कोई से चबाओ, अरे चबाओ नहीं, बचाओ। ये मोर मसूर की दाल, उससे शादी करने चला। आज पांचवी बार हमारा माल पकड़ा गया। हाँ। पुलिस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। धंधे में खतरा मुनाफे से ज्यादा बढ़ जाए तो धंधा बंद कर देना चाहिए। क्या? हाँ महेंद्र, भारत में स्मगलर्स के दिन अब बुरे आ गए। वो तो ठीक है, मगर हमारे बाकी सब धंधे और बिजनेस तो सिर्फ दिखावे के हैं। अगर स्मगलिंग ही बंद हो गई तो हमारे सारे किए धर पर पानी फिर जाएगा और हम भूखों मर जाएंगे। महेंद्र, जब तक इस दुनिया में बेवकूफ लोगों के पास पैसा है तब तक हमारे जैसे लोग भूखों नहीं मर सकते। अब तुम अपने दोस्त वो स्विमिंग पूल वाला चौधरी को ही देख लो, शक्ल से काट का उल्लू नजर आता है और तुम कहते हो कि उसके पास लाखों रुपया है। लाखों नहीं, करोड़ों। फिर क्यों ना हम उसके करोड़ों की दौलत आपस में बांट लें? तुम्हारा मतलब है 420? नहीं, 420 बिल्कुल नहीं, बल्कि भले मन साहत कहो। महेंद्र, क्या ख्याल है तुम्हारा कि अगर हम तुम्हारे दोस्त चौधरी साहब की इकलौती बेटी के लिए एक लड़का पैदा कर लें? लड़का पैदा कर लें? मेरा मतलब दिमाग से। हाँ, आज ही तुम पेपर्स में एड छपा दो कि विक्रम एंड महिंद्रा एंटरप्राइजेस को जरूरत है एक पढ़े लिखे सुंदर सुशील नौजवान भले मानुष की। माँ, कल एक दोस्त ने ट्यूशन के बारे में बात की थी, कल तुम्हें मिला नहीं, आज हो आता हूं। माँ, तेरी आंखों में आंसू, नादानी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, मुझे माफ कर देना। बेटे, अब उसका अफसोस मत कर, तेरे मन के भलाई को क्या मैं नहीं समझती, लेकिन मुझे कुछ और याद आ गया। बेटे, हमारे साथ किसी ने भलाई नहीं की, किसी ने भलाई नहीं की। बंसीलाल सुनार के यहां चला जा और वो जो पैसे दे लिया ले बेटे, ले। ये मंगलसूत्र बेचना है? नहीं माने, मैं ये नहीं कर सकता। बेटे, वो कहा करते थे मुसीबत के दिनों में ही यही चीजें काम आती हैं। ले जा बेटे, ले जा। नहीं मां, तुम्हारे सुहाग की आखिरी निशानी को मैं नहीं बेच पाऊंगा, इसे अपने पास रख, रहने दे। अभी के लिए मैं कोई और इंतजाम कर लेता हूं। वाह वाह, हां वाह वाह, मजा आ गया।
वजह से तब सारे हिंदुस्तान में नहीं है। अरे भाई क्या करें, पढ़ाई लिखाई तो काम आई नहीं, इसी कला से अपना पेट पाल रहे हैं। सही कहा है सरस्वती के भक्त से लक्ष्मी हमेशा रूठी रहती है, तभी तो यहीं के यहीं पड़े हैं। और इसी बाप दादा की कला के सहारे मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, वरना साला पढ़ाई करते करते तुम लोगों की तरह कहीं धक्के खा रहा होता। मैं पूछता हूँ क्या रखा है इन डिग्रियों में, जब तक देश का सिस्टम नहीं बदलेगा कुछ नहीं होगा। लाओ 1.60 रुपया हिसाब में लिख लेना। एक तो तबला बजा बजा के मेरे आधे ग्राहक भगा दिए, ऊपर से पैसे हिसाब में लिख लूं, आज तो नकद दे दो। अबे साले चाय बाबू, भाभी को जाकर बोल दूंगा कि कीर्तन के बहाने तुम कहाँ जाते हो, हैं? मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हो। चंदू भैया भाभी को कुछ मत बतलाना, नहीं तो मेरा बिस्तरा आज घर के बाहर होगा। तो फिर हो जाए मलाई वाला टोस्ट। रमू एक मलाई वाला टोस्ट लाना। और सबके लिए गर्मा गर्म चाय और चार चाय भी। आनंद आजा आजा, एक चाय आनंद के लिए भी। आजा प्यारे मैं तेरे पास ही आ रहा था। क्या बात है दोस्त, बड़ा उदास लग रहा। माँ का मंगलसूत्र तक बेचने की नौबत आ गई है। अरे बेचने की बात मत करो, खरीदने की बात करो प्यारे। ये देख तेरी नौकरी का लेटर, बंबई से बुलावा आया है। ये नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। क्यों भाई, रेल के टिकट के लिए पैसे कहाँ हैं? प्यारे रात को एक भजन मंडली के साथ तबला बजाया था तो कुछ श्रद्धालुओं ने ये पैसे दे दिए, स्वीकार करो। अबे चंदू के बच्चे चाय उधार पीते हो और ये पैसे। अबे चुप, मंदिर के पवित्र पैसे तेरे अशुद्ध ढाबे में चढ़ा दूं क्या? हैं? प्यारे मेरे को भी अपने साथ बंबई ले चल यार। तू बंबई में क्या करेगा? इस छोटे से कस्बे में अपनी कला का कोई कदरदान नहीं। बंबई में रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म कंपनी है, थिएटर है, कहीं ना कहीं तो काम बन ही जाएगा प्यारे। ठीक है, मेरे मामा का एड्रेस लेते जाओ। अरे कौन है तेरा मामा? अरे मेरे मामा का लाखों का कारोबार है, इतना बड़ा आलीशान बंगला है, यूं कहो बंबई का राजा है राजा। बंबई में आपको कौन नहीं जानता गुरु, आप तो बहुत बड़े राजा हैं। सिर्फ नाम के ही नहीं दिल के भी। हाँ अच्छा बोल, तेरे को क्या चाहिए? आज का मटके का नंबर। मटका? अबे चल एक। अबे चल दो। अबे फुट बोला ना। तीन मिल गया दिया, 120 का बन। ये तो हुआ ओपनिंग का गुरु, अब क्लोजिंग का भी बता दो ना। अबे ओ बुद्धू एक चाय बोल दे खड़क, चार नंबर। चार मिल गया, क्लोजिंग का चौका, बस चल लगा दे डबल कर ले माल को। सुनिए राजा साहब है? नहीं, क्या काम है? उनके नाम ये चिट्ठी लाया। ओ अच्छा इसकी चिट्ठी है, मैं ही राजा हूँ। बोलो बंबई आना कैसे हुआ? मेरा इंटरव्यू है, ये मेरा दोस्त चंदू है। चाय बाबू कहते थे हमें यहाँ रहने की जगह मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं भैया, अपना घर तो हर आने जाने वाले के लिए धर्मशाला है, जहाँ जी चाहे बैठो लेटो सो जाओ। नहीं नहीं मैं इंटरव्यू जाता हूँ, तू बैठ बैठ बैठ, मैं चलता हूँ। अच्छा आते वक्त मिठाई ले आना, नौकरी लगने की खुशी में। जरूर लाऊंगा, मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। और साहब आपका क्या इरादा? मैं तबलची तबला बजाता हूँ ना दिन दिन ना ना दिन दिन। बहुत खूब भैया, ये बम्बे है माया नगरी, यहाँ अच्छे अच्छों के तबले बज चुके हैं, तुम्हारा भी बच जाए। तुमने भी ये फर्स्ट क्लास में पास किया है? जी हाँ, विद ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। कोई तजुर्बा? जी हाँ, इससे पहले मैं अपने फादर के साथ काम करता था, उनका भी आप ही की तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। एक आखिरी सवाल, बंबई में किसी को जानते हो? जी हाँ, मेरे बड़े भाई यहाँ डीएस ऑफ पुलिस है, कहे तो उनकी जमानत ला दूं। नो थैंक यू, अब तुम जा सकते हो, हम तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। नमस्ते जी, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। तुमने भी थर्ड डिवीजन में पास किया? जी, फर्स्ट डिवीजन में क्यों नहीं? जी मैंने पढ़ाई ट्यूशन देकर की है, अपने पढ़ने का टाइम दूसरों को ट्यूशन देने में निकल जाता था। कोई तजुर्बा? जी नहीं। एक आखिरी सवाल, बंबई में किसी को जानते हो? जी नहीं। गुड वेरी गुड जी। हाँ कुछ नहीं,
जानते हो ये नौकरी क्या है? जी नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, और जब जरूरत इतनी ज्यादा हो तो आदमी मांग नहीं कर सकता। आदमी तुम शरीफ और भले मानुस लगते हो, लेकिन देखो एक बात है, ये तुम्हारा हुलिया यहाँ नहीं चलेगा। जूली, ऐसा करो कि इसे कुछ एडवांस दे दो और साथ ही कुछ कपड़े और सूट सिलवा दो, और कल से इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। ओके okay. और तुम्हें ट्रेनिंग खत्म होने के बाद काम समझा दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऑल द बेस्ट माय डियर बॉय। थैंक यू सर। राजा, ओ राजा, कहाँ मर गया तू? यही होटल रह गया था इन राजाओं महाराजाओं के लिए। अरे भाई साहब, आप कौन है? जी मैं चंदू हूँ। चंदू, वो तो आपकी शक्ल से ही नजर आ रहा है, मगर चंदू महाराज जी, आप यहाँ तशरीफ कैसे लाए? मैं इस घर के मालिक राजा का मेहमान हूँ। राजा का मेहमान? हाँ। चंदू महाराज जी, कान खोल कर सुन लीजिए, ये राजा का महल नहीं है, ये जानकी दास का गेस्ट हाउस है। तुम्हारे राजा ने एक साल भर का किराया नहीं दिया, आज का पक्का वादा किया था, वो कहाँ मर गया? वो राजा, वो हजाम, वो उल्लू का पट्टा। शायद बाथरूम गया जी। इस पलंग पर लेटने के लिए पैसे लगते हैं, 15 रुपए रोज के। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जी नहीं। साहब, भूखे नंगों को जानकी दास का गेस्ट हाउस नजर आता है। आउट आउट आउट। चला जाऊंगा साहब, जरा मेरे दोस्त को आ जाने दीजिए। आपका कोई दोस्त भी है? मतलब ये एक नहीं दो? इधर इसके पास पैसे हैं? जी नहीं। समझा, करके का दोस्त करका। आउट यू गो। वो देखे तेरे जैसे, खबरदार, सामान को हाथ लगाया तो पहले पैसे देना फिर सामान उठाना। आउट। ये तबले तो ले जा सकता हूँ। तबले? तबले मेरे किस काम के? अच्छा, तो तुम मरासी हो, जाओ यहाँ से चंदू खाने का सामान। आउट आउट आउट। आ जाते हैं तबलची बबलची बम्बे में और सीधा जानकी दास के गेस्ट हाउस। चंदू चंदू चंदू, मुझे नौकरी मिल गई है। चंदू, तो आप ही हैं चंदू के दोस्त? क्या, लेकिन चंदू कहाँ है? बताता हूँ, पहले इस गेस्ट हाउस में 2 आदमियों के रहने का किराया रखो, 30 रुपए। 30 रुपए? लेकिन राजा साहब तो कहते थे कि हम जी चाहे। आप भी राजा साहब के दरबार से आए हैं? बाढ़ में गया राजा, पहले पैसे रखो फिर बात करूंगा। हाँ, 30 रुपए। अब बताइए चंदू कहाँ है? वो तो यहाँ से चला गया। चला गया, लेकिन कहाँ? मुझे क्या मालूम, मैं कोई ज्योतिषी हूँ? आनंद, तुम अपना एड्रेस यहाँ छोड़ दो, वो यहाँ जरूर आएगा, ये उसको तुम्हारा पता दे देंगे। हम क्यों पता दे देंगे जी, यहाँ हमने कोई पोस्ट ऑफिस खोल रखा है। इतने बड़े शहर में मैं अपने दोस्त को कहाँ ढूंढूंगा? हम उसे आपका पता बता सकते हैं, मगर इस काम के लिए मुनासिब फीस चाहिए। ये रहा हमारा पता। ये मुझ पर और मेरे दोस्त पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो मुझ पर कब एहसान होगा? मतलब चंदू को मेरा पता जरूर बता। जरूर जरूर। चलो आनंद, कम ऑन। 4 दिन की चांदनी फिर जानकी दास। मैं तुम्हें पहला स्टेप सिखाती हूँ, देन यू डू एग्जैक्टली व्हाट आई डू। नाउ योर फर्स्ट पोज, योर राइट फुट शुड बी दिस वे एंड देन। भाई जी, एक मिनट। भाई जी, वो कौन सी चाहिए? नहीं, मैं तो डांसिंग स्कूल का बोर्ड पढ़कर अंदर आया था। हाँ, करेक्ट, आप सही जगह पे आए हो। मेरे को भाई जी नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? आप क्या कर सकते हो? मेरे को तबला बजाना आता है। देख बेटा, इधर तबला बजाने की कीमत ली जाती है, दी नहीं जाती। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम, आई एम डैम टू बिजी। कमाल है, बंबई में नया लगता है। हाँ तो नाउ कम ऑन, लेट अस स्टार्ट नाउ। यू पुट योर राइट फुट फॉरवर्ड एंड दैट्स बेटर। नाउ Thank you.
अब कल से ड्राइविंग शुरू, ओके? तो शुरू। अबे निकाल। माफ करो बाबा। अबे मैं भीख नहीं, इधर सोने का फीस मांगता हूँ, समझे? सोने का फीस? भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो फेदे का मरता है, चल फोड़ो इसे, चल। मैं यहाँ सो भी नहीं सकता। लगता है नया नया बम्बई आया, चल फोड़ो इसे, चल। सारा कहीं। गाड़ी ठीक से चलाओ, ये हंसी क्यों आ रही है? आप जरा वहाँ होकर बैठिए ना। क्यों? जरा गुदगुदी हो रही है। ओह गॉड, गाड़ी ठीक से चलाओ ना, गाड़ी रोको। ए मिस्टर, ये क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, गाड़ी रोकने के चक्कर में इन्होंने पेड़ पे चढ़ा दी। अच्छा, तो जहाँ पेड़ ना हो वहाँ गाड़ी कैसे रोकते हैं? ब्रेक नहीं है क्या? ब्रेक तो है, लेकिन गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। ओह, ये गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, और वो भी एक लड़की से। क्यों जी, नए नए रईस बने हो क्या? जी नहीं, नए नए अमेरिका से आए। अमेरिका? आपका अमेरिका में दिल नहीं लगा कि हम हिंदुस्तानियों पर मेहरबानी करने चले हैं? आप जाने भी दीजिए ना, माफ कर दीजिए। लेकिन ये खुद क्यों नहीं माफी मांगते? घूंघे बह रहे क्या? कम ऑन, लेट्स गो। अरे ओ मैम साहब, इन साहब, ये आपने यूएसए मेड बकरा कितने में खरीदा होगा? डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। अरे एक तो मेरी पिकनिक खराब कर दी, और ऊपर से बोलते डोंट टॉक नॉनसेंस। उल्टा चोर को तवाल को डांटे। लेकिन उसकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, बकरा था मोटा और ताजा। चलो क्या चाहिए? मैं तबले बेचने आया हूँ। तबले? कहीं ये चोरी के तो नहीं? नहीं भाई, मेरे अपने हैं, मैं एक कलाकार हूँ, सच मुझे। अगर तुम कलाकार हो तो अपनी कला के साज को क्यों बेचना चाहते हो? आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा ना। अरे जरा प्लीज हेल्प करना। चंदू आया था? मेरी फीस? ये लीजिए, चंदू आया था? नहीं, अभी तक नहीं आया। अपनी जिंदगी की जो कहानी मैंने तुम्हें बताई, उसे सोचकर कभी कभी दिल बड़ा उदास हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला भी कमबख्त बड़ा कारसाज है, वो जैसे भिखारी को बीमारी देकर एक शहंशाह बना दिया। ऐसे मत कहो, कोई कलाकार भूखा जरूर मर सकता है, लेकिन भिखारी नहीं हो सकता। लेकिन हर एक तुम्हारे जैसा भी नहीं हो सकता। चार दिन पहले अगर कोई मुझे कहता तो शायद मैं कभी यकीन नहीं करता कि इस मतलबी दुनिया में कोई तुम्हारे जैसी देवी भी हो सकती है। बस बस, अभी चलो सूप पी लो। बिटिया, क्या है बिरजू काका? महेंद्रनाथ बाबू का आदमी आया है, कह रहा है आज उनकी पार्टी में शाम को भाईजी को कहना गाने के लिए जाना है। ठीक है, तुम उनसे कह दो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। भाई जी सुनकर शायद तुम्हें बुरा लगा होगा, नहीं? लेकिन अब जब तुमने देवी कहा था ना, तो दिल में कुछ और ही गूंजने लगा था। लेकिन मेरी असलियत जानकर शायद ये जानकर तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है मेरे मन में। काश मैं इस इज्जत के लायक हो पाती। नहीं, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके।
अरे ये तो वही है। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, हम पहले मिल चुके हैं। पहचान तो लिया है, लेकिन हैरान हूँ कि आप बोल भी लेते हैं। ओह समझा, बात यह है जब जूली आसपास हो ना तो मुझे बोलने नहीं देती। जूली आपकी बेबी है? नहीं। गर्लफ्रेंड? कुछ भी नहीं, यूं समझिए एक सौदे की शर्त है। सौदा अगर शादी का है तो सोच समझ कर कीजिएगा, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, आपको तजुर्बा है? और नहीं तो क्या, मैं हूँ फॉरन में पड़ी हुई लड़की, तैरना नाचना गाना मेरी जिंदगी है, और मेरे पापा है ना एकदम पुराने ख्यालात के आदमी हैं, चाहते हैं कि मैं उनकी मर्जी के लड़के से शादी करूं, रोज नए नए कबूतर फंस लाते हैं, लेकिन मैं भी उन्हें वो मजा चखाती हूं कि। इसका मतलब आप शादी नहीं करेंगी? करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन जब मुझे मेरी पसंद का लड़का मिलेगा तब। आपको किस किस्म का लड़का पसंद है? जिसमें अमिताभ की आवाज हो, देवानंद का स्टाइल हो, ऋषि कपूर की जवानी हो और शशि कपूर की मुस्कुराहट हो। हे भगवान, इतने लड़कों के साथ आप एक साथ शादी करेंगी? अरे बुद्धू, जिसमें ये सब खूबियां हो उससे। भगवान बचाए उस लड़के को। क्या? आनंद, come on now। मेरा अलार्म बज गया, बोलने की इजाजत दो। बाय। लगता है इसका ऊपर का माला खाली है। सर, मिस्टर आनंद कुमार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है। वेलन जूली, वेलन, आज से तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। थैंक यू सर। लेकिन एक बात है यार, तुम्हारा ये नाम आनंद कुछ धक्कानुसी सा लगता है, तुम्हें तो विनोद कह के बुलाने की इच्छा होती है, क्यों महेंद्र? हाँ, आज से हम तुम्हें विनोद कहेंगे। क्यों, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? जी नहीं, मुझे क्या इतराज हो सकता है, विनोद और आनंद दोनों का एक ही मतलब है, सुख। गुड, दैट्स लाइक ए गुड बॉय। अब सुनो विनोद, बात यह है कि हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है, इसलिए हमारे बहुत से क्लाइंट्स हिंदुस्तान आते रहते हैं। तुम्हारा काम होगा कि उन क्लाइंट्स की देखभाल करना, उन्हें एंटरटेन करना, उन्हें खुश रखना, ताकि हमारा धंधा बढ़ सके। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश, चलो मैं तुम्हें अपने एक क्लाइंट से मिलवाता हूँ। कम लिफ्ट क्यों बंद कर दी? जॉर्जब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखने आया हूँ सेठ कि हम गरीबों का खून पी पी कर तुम पर कितनी चर्बी चढ़ गई है। देखो जॉर्जब, तुमने हिसाब में गड़बड़ी की थी, गनीमत समझो कि मैंने तुम्हें नौकरी से ही निकाला, पुलिस के हवाले नहीं किया। मोटा सेठ, तुमने तो मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हें भगवान के हवाले करने आया हूँ। कमीने को मुंह नहीं लगा करते। क्या हुआ? ऐसे ही गुजर जो अब कर चलो, आ बेटा। बेटे देखो, बेटे ये एक बाप का फर्ज होता है कि वो बेटे को लायक बनाए। आज मुझे मेरा बेटा मिल गया है, ये सारा का सारा घर तुम्हारा है। जी मैं आपका एहसान किस तरह चुकाऊंगा? कैसी बातें करते हो विनोद, एहसान तो उल्टा तुमने किया है मुझ पर। तुमने वो काम किया है जो अपना खून भी नहीं कर सकता था। सच बात तो यह है विनोद कि आज तुम नहीं होते तो उसने मुझे जान से मार डाला होता। और नहीं तो क्या, लगता है भगवान ने तुम्हारी रक्षा के लिए इसको साथ भेज दिया था, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। हाँ, कहिए भगवान की कृपा थी कि उसने विनोद को भेज दिया, पर मुझे लगता है कि विनोद
इस घर में रहना नहीं चाहता। क्यों विनोद? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। तो फिर संकोच क्यों कर रहे हो? जाओ रामदास, छोटे साहब को ऊपर का कमरा दिखाओ। थैंक यू सर। ठीक है, ये कुछ अच्छा है। अरे ये कोई चीज हुई ना, इसमें तो फिर लुट गई हमारी बिटिया रानी। अरे भाई चौधरी, लगता है लड़की को सोने से लात कर देने का इरादा है। अरे आओ भाई आओ महेंद्र, बैठो। क्या बतलाऊं, मेरा बस चले तो छोरी को सोने में क्या, मैं तो हीरो में लात दूं, पर शर्त ये है कि मुझे घर जमाई भी चाहिए बिल्कुल हीरे जैसा। क्यों नहीं क्यों नहीं, आखिर किस बात की कमी है इस घर में, लड़के को तो भाग खुल जाएंगे। हाँ तो छज्जू माल जी, आप जाओ यहाँ से, मैं फिर बात करूंगा। देखो महेंद्र, सच पूछो तो मैं छोरी को लंदन भेजकर बिल्कुल फंस गया हूँ, बड़ी मुसीबत में। उसे आपको हिंदुस्तानी लड़का पसंद ही नहीं आता? तो फिर किसी फॉरेन रिटर्न से शादी कर दो। महेंद्र, ऐसा कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? हाँ है तो सही, वो मेरे दोस्त विक्रम से तो तुम मिली चुके हो। अच्छा, ओ, 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 उसका लड़का विनोद अभी हाल ही में अमेरिका से वापस आया है, कहो तो बात करके देखूं। अरे भैया मैं तो कहता हूँ बात करो नहीं, बात को दौड़ाओ दौड़ाओ, बोलो कब लेके आ रहे हो। नहीं हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये घर जमाई वाली बात विक्रम क्या मानेगा। अरे भैया तुम बात करके देखो तो सही। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। हाँ महेंद्र चाय पीकर जाओ ना। चौधरी चाय क्या, बात बन जाए तो मिठाई खाएंगे। बिटिया के हाथ पीले हो जाए मैं तो लड्डू बांटू। और कितना टाइम लगेगा? कम से कम आधा घंटा लगेगा आपकी गाड़ी को मिलने। तुम ठीक करके घर ले आना, मैं चलती हूँ। टैक्सी। अरे हमारी मुलाकात हमेशा इत्तेफाक से होती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगली मुलाकात बकायदा सोच समझ कर। देखिए मेरी गाड़ी खराब हो गई है, टैक्सी तक छोड़ देंगे आप? टैक्सी तक क्यों, बंदा इतना बेशरम नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। आइए। कहाँ रहती हैं आप? जुहू विले पार्ले। जुहू, चलो। वो आपकी अलार्म साथ में नहीं आई आज? अलार्म? हाँ? जूली, उसे मैंने छुट्टी दे दी। अच्छा। अरे हाँ याद आया, आपको मिल गया आपका स्पेशल दूल्हा? अभी नहीं, पता नहीं वो पैदा हुआ भी है कि नहीं। जन्म लिए हुए तो उसे 26 साल हो गए, कहीं कहीं आसपास में भटक रहा होगा बेचारा। लगता है आजकल ही मैं आपको मिलने वाला है। सच? तो उस नए लड़के की छुट्टी कर दूं जो आज मुझे देखने आने वाला है? हाँ, डैडी आज मुझे एक नए लड़के से मिलवा रहे हैं। हो सकता है आपकी पसंद का वो दूल्हा यही हो। अब बस यही रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। आप यहाँ रहती हैं? हाँ यही रहती हूँ, एक कप चाय तो पीजिए आके। आपने बुलाया तो जरूर आऊंगा, लेकिन आज नहीं फिर कभी, चाय के साथ मिठाई भी खाऊंगा। ओके बाय बाय। बाय। अरे करम जी, 16 आने खड़ी बात कही आपने। हाँ तो बेटा विनोद, कितने साल पढ़ाई करी तुमने अमेरिका में? जी अमेरिका? पूरे 5 बरस बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है। जी हाँ चौधरी साहब, और एक बात की पाबंदी हमने लगा दी थी अपने बेटे पर, वो ये कि चाहे पढ़ो अमेरिका में पर शादी अपने देश में करो। हाँ हाँ, कितने ऊंचे विचार हैं आपके, वाह वाह। तो फिर बात पक्की समझे? हाँ जी। फादर। क्या फादर फादर? पिताजी कुछ तय होने से पहले हम एक दूसरे को जाने तो अच्छा होगा, आपकी इजाजत हो तो हम दोनों अकेले में। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देख बिटिया कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। हाँ तो बेटा विनोद, तुम लोग जाओ खेलो कूदो कूदो आपस में, जाओ। भाई चौधरी साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अजी हाँ, मैं भी आपका छोकरा बहुत पसंद है। चलिए मैं आपको अपना बंगला और जरा कोट की सैर करवा दूँ। यहाँ आइए चलिए।
पहचाना? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? हाँ। अब मुझसे नहीं पूछोगे कि तुम मुझे पसंद हो कि नहीं? मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? तुम उल्लू के पट्टे हो। हाँ? अमेरिका में पढ़ाई की और शादी करना चाहते हो हिंदुस्तानी लड़की के साथ। अरे यार, शादी करने से पहले और बाद में लगाई जाती है डंड बैठक। चलो लगाओ। अगर तुम भागे तो मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगी। हाँ, और बताऊंगी कि तुम क्या करने लगे थे मेरे साथ। क्या? चलो फौरन लगाओ डंड बैठक। चलो जी लगाओ डंड बैठक। ये भगवान, लगते तुम अमेरिकन हो। बड़े को ये गाय भी शुरू कर और यहाँ की आंखें भी अमेरिकन है, लेकिन ये पूंछ, ये असली अमेरिकन है। जब मैं यहाँ से गया था तब नहीं थी। अब जाओ। जब तक पूरे 100 डन बैठक नहीं करोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चलो शुरू हो जाओ। 100? हाँ हाँ 100। 100। लगाते जाओ और जोर से, और जोर लगाओ। कभी हंसी और कभी रहम आता है तेरे हाल पे, कभी हंसी और कभी रहम आता है तेरे हाल पे। मेड इन यूएसए का लेबल लगा है देसी माल पे, मेड इन यूएसए का लेबल लगा है देसी माल पे। अरे कभी हंसी और कभी रहम आता है तेरे हाल पे, मेड इन यूएसए का लेबल लगा है देसी माल पे। असली पे नकली का पर्दा क्या डाला है साले, झूठी चमक में और कोई होंगे फंस जाने। चमक में और कोई होंगे बस जाने वाले। रंगे तू दिखाना किसी और को, मैं तो प्यार से एक तमाचा दूंगी तेरे गाल पे। कभी हंसी और कभी रहम आता है तेरे हाल पे, मेड इन यूएसए का लेबल लगा है देसी माल पे। चाहिए सिर्फ प्यार, भाड़ में जाए ऐसी दौलत और ऐसी शादी। हाय हाय, ये भी भाग गया। आप परेशान मत होइए, लड़का अमेरिका से लौट कर आया है ना, विदेशी आबो हवा ऐसी ही होती है। मैं उसे समझा लूंगा, लड़की हमें पसंद है।
ठहरो, मेरी बात तो सुनो, ठंडे दिल से सोचो, क्या खराबी है उस लड़की में? आपके ख्याल में उस लड़की में कोई खराबी हो या ना हो, लेकिन मैं ऐसी पागल लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, समझे? जो मैं बताता हूँ महेंद्र, एक बात बताओ, शादी किसकी हो रही है? विनोद की। तो फिर जो मेरा बेटा चाहेगा वही होगा, अगर मेरे बेटे को वो लड़की पसंद नहीं है तो ये शादी हर किस नहीं होगी। बेटे चलो आराम। थैंक यू। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि कल तक तुम लड़कों को ठुकराती रही हो और आज आज तुम्हें कोई ठुकरा कर चला गया। अफसोस की तो ये बात है कि मैंने उसे पहचाने में भूल की और वो भी मुझे गलत समझ बैठा होगा। पर इसमें उदास क्यों होती हो? तुम्हारे डैडी किसी और को ले आएंगे और जो आएगा डैडी की दौलत का भूखा आएगा। सच पूछो तो मुझे ऐसे लड़की की तलाश थी, लेकिन ये तो रूठ गया। और जो रूठ गया उसे मनाया भी तो जा सकता है। मैंने तुम्हें पहचाने में देर की, उसके लिए माफ कर दो। ठीक है ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह की पत्नी नहीं चाहिए। क्यों? बस नहीं चाहिए। फिर किस तरह की पत्नी चाहिए तुम्हें? किस तरह की? जिसे पागलपन के दौरे ना पड़ते हो। कभी नहीं आएंगे। जिसे घर आए हुए मेहमान की इज्जत करनी आती हो। इज्जत करेगी। जिसे कपड़े सीना, खाना पकाना, सास की सेवा करना और पति के चरण दबाने आते हो, समझी? मैं सब सीख लूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी की खूबियां कहां से लाओगी? मेरी पत्नी के गानों के गड्ढे शर्मिला टैगोर जैसे, अदा जीनत अमान जैसे, मुस्कुराहट हेमा मालिनी जैसे और आंखें राखी जैसी होनी चाहिए। तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ शादी करोगे? अरे बुद्धू, इतनी सारी लड़कियों के साथ नहीं, उस लड़की के साथ जिनमें ये सारी खूबियां मौजूद हों, समझी? गुड बाय। ये तो मेरा भी उस्ताद निकला, मेरा पैंदरा मुझ पर ही। बात यह है चंदा भाई कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत आन पड़ी है, एक ऐसा काम है। काम कैसा भी हो अब मैं नहीं करूंगी। करना तो तुम्हें पड़ेगा डार्लिंग, चाहने वालों से रोजी रोटी नहीं चला करती, वो हम चलाएंगे। और फिर सोच लो, इस आलीशान फ्लैट से फुटपाथ पर लाना हमारा बाएं हाथ का काम है। नहीं नहीं महेंद्र, ऐसी बात नहीं कहते, चंदा बहुत अच्छी लड़की है, हमारे कहने को नहीं डालेगी। क्यों चंदा भाई? काम क्या है? काम तो बहुत मामूली सा है। महेंद्र आओ चलते हैं। जी आपने कहा था कोई जरूरी काम है, जाते हुए आपसे मिलते जाऊं। हाँ बेटे, काम बहुत जरूरी है और बहुत जिम्मेदारी का भी। इस बैग में 20 लाख रुपया है जो कि तुम्हें हमारे क्लाइंट के पास पहुंचाना है जो कल वापस दुबई जा रहा है। देखो बहुत होशियारी से, और ये बैग उसी के हाथ में पहुंचना चाहिए। जी रसीद भी लेनी है? नहीं नहीं, रसीद क्यों जरूरत है। ठीक है जी। सुनो 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 सुनो, ये है उसका पता, मिस्टर दाऊद खान, 12 न्यू कॉलोनी मार्वे बीच। न्यू कॉलोनी मार्वे बीच। ठीक है, मैं रास्ते में उतर जाऊंगी। जरा ठीक से बैठिए, कहाँ जाएंगी आप? जहाँ आप ले चलें। जी कहो तो आपके घर चलूं या फिर किसी होटल में चलें? क्यों भोले मत बनिए, जब एक नौजवान लड़का किसी लड़की को लिफ्ट देता है तो। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, आप खुद अच्छे घर की नजर आती हैं, शायद कोई मजबूरी होगी जो ये काम कर रही है। अगर आपको 200-400 रुपए चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए मिस्टर, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मैं आपके पैसों पे थूकती हूँ। शौक से थूकिए, पर मेरी गाड़ी में नहीं, बाहर जाकर, आउट। बदमाश कुंडे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तो समझा था कि तुम एक शरीफ आदमी हो, यही सोचकर तुमसे लिफ्ट ली थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बदमाश हो। बचाओ बचाओ। क्या नाटक है?
नाटक मैं कर रहा हूँ या वो कर रही है? पहले तो मेरे गाड़ी बैठ गए। उल्लू बनाता है। आपके पिताजी ने आपकी जमानत दे दी है, आप जा सकते हैं। बरखुदार, ऐसा भी क्या जवानी का जोश के 20 लाख रुपया गवा बैठे? मैं निर्दोष हूँ पिताजी। कम से कम मेरी तो इज्जत का ख्याल किया होता। उस लड़की का तो कुछ नहीं, उसे कुछ भी देखकर केस दबा देंगे। पर मैं अपने पार्टनर महेंद्र नाथ को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा जिसका 20 लाख रुपया क्या है? कहां से आएगा 20 लाख रुपया? मैं पूछता हूं कहां से आएगा? हो सकता है इसने खुद ही हमसे धोखा किया हो। महेंद्र, दुनिया में अभी धर्म ईमान बाकी है। बाहर में क्या तुम्हारा धर्म ईमान? तुम इस पर विश्वास करो, मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। बेटा होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सिर्फ एक मुलाजिम है। मैं पूछता हूँ कौन चुकाएगा इतना रुपया? तुम दोनों तो बाप बेटा बनकर छूट जाओगे। बाजार का रुपया तो मुझको चुकाना पड़ेगा ना। बाजार का रुपया मैं चुकाऊंगा महेंद्र। मेरे बेटे की गलती की वजह से नुकसान हुआ है ना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे तू क्या जिम्मेदारी लेगा, बहुत देखे तेरे जैसे, मुझे मालूम नहीं क्या? देखिए, मैं जानता हूं कि मेरी गलती ने आप लोगों को इस मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन मैं जिंदगी भर भी चाहूं तो 20 लाख रुपया नहीं अदा कर सकता। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि मैं आप लोगों को इस मुसीबत से बचा सकूं? रास्ता? रास्ता मैं बता सकता हूं अगर तुम्हें मंजूर हो तो। चौधरी की बेटी से शादी कर लो, दहेज में इतना कुछ मिलेगा कि बाजार का सारा पैसा चुकाया जा सकता है। लेकिन मैं वो भाई सोच लो। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। 20 लाख रुपए की वजह से तुम अपनी जिंदगी तबाह करो, ये मैं गवारा नहीं कर सकता बेटे। लेकिन मैं भी तो ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं आप लोगों को मुसीबत में अकेला छोड़कर चले जाऊं। प्लीज मेरी बात मान जाइए। प्लीज विक्रम, मान भी जाओ। ठीक है, तुम दोनों कहते हो तो मान जाता हूं। शाबाश, ये लो तुम्हारा इनाम। चंदा भाई, तुम्हारा भी जवाब नहीं, क्या तो नाचती हो और क्या नचाती हो। हेलो, हाँ जी बोल लो। हाँ जी, मैं चौधरी बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब, एक खुशखबरी दूं, वो हमारे साहबजादे शादी के लिए तैयार हो गए। अरे सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। देखो भाई, और मंगनी में ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। हाँ, कल बहुत अच्छा मुहूर्त है। हाँ कोई बात नहीं, कल ही सही। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे बिटिया, विक्रम का बेटा है ना, वो तुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया है। शादी? पर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, वो आज्ञाकारी बेटा है, उसने अपने माँ बाप का कहना मान लिया होगा। और सुन, तू भी जिद छोड़ दे, मैं तुझसे साफ साफ कह देता हूँ कि उसमें वो तमाम खूबियां हैं जो तुझे चाहिए तेरे होने वाले पति में, और मुझे मुझे चाहिए मेरे होने वाले दामाद में। भाई विक्रम, तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया, ये भी तो पूछिए चौधरी साहब के कैंची की धार किसने तेज की थी। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों बोर हो रहे हो? गो एंजॉय योरसेल्फ। जाओ 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 बिटिया, जाओ जाओ। जो बहुत अच्छी है आकर बेटा किसका है? विनोद, मुझे लगता है तुम इस
शादी से खुश नहीं हो? नहीं तो तुम्हारे डैडी खुश हैं, मेरे डैडी खुश हैं, तुम खुश हो और तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अगर तुम्हें पसंद नहीं तो कह दो, मैं शादी रुकवा दूंगी। डैडी को ये शादी मंजूर है और मुझ पे उनके बहुत सारे एहसान है। घबराओ नहीं, तुम पर इल्जाम नहीं आएगा। मैं फिर कोई उल्टी सीधी हरकत कर दूंगी, मैं तो बदनाम हुई। तुम बदनाम हो और मैं, मेरा तो नाम ही नहीं। एक बात कहूं, मैं पागल नहीं हूं, पागलपन की हरकतें ना करती तो मेरी शादी कब की किसी काट के उल्लू के साथ हो चुकी होती और मेरी मुलाकात तुमसे ना होती। मैं वैसी नहीं हूं जैसी नजर आती हूं। मैं भी वैसा नहीं जैसा नजर आता हूं। तो मुझे स्वीकार कर लो, तुम जैसे भी हो मुझे मंजूर है। तुम मेरे बारे में और कुछ नहीं जानना चाहते? जितना जान लिया उससे ज्यादा जानने की इच्छा नहीं। हाँ, तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो? जितना जान लिया उससे ज्यादा जानने की इच्छा नहीं। मुझे माफ करना मीना, मैंने तुम्हें जरा देर में जाना। चलो जान तो गए ना। पहले से थी आज तुझे दिल ने पहचाना। सच? ऐसा कुछ आया तुझ में नजर, क्या दिल मेरा हो गया दीवाना।
पूज्य माता जी, बंबई में मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, इतना समान मालिक मिला, मालिक ने एक अच्छे परिवार में मेरी शादी तय की है। हाँ माँ, लड़की मुझे भी पसंद है और उम्मीद है कि आपकी बहू आपको भी पसंद आएगी। घबराना नहीं, शादी आपके बिना नहीं होगी, इसलिए आपको लेने में गांव जल्दी आ रहा हूँ। तैयार है ना आपका बेटा आनंद? आप आइए आइए आइए। ये किसे चिट्ठी लिख रहे हो? माँ को शादी की खुशखबरी देने की। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं। सच बात यह है कि मैं भी उनसे बहुत मिलना चाहता हूँ, और इसे अच्छा मौका हो भी कह सकता था। तुम तो जानते हो बेटे, तुम उन्हें समझा देना कि तुम कैसे आनंद से विनोद बने हो, मेरे बेटे बने हो, और हम दोनों की क्या मजबूरियां हैं। घबराइए नहीं, मैं माँ को सब समझा दूंगा। मीना भैया, मैं आपको शाम को मिलूंगा। बाय बाय। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। तेरी जुल्फें जिसके शानों पर परेशान होंगे। लेकिन मेरी आंखों की नींद तब तुमने चुरा ली है। वो कैसे? क्योंकि मेरी आंखों में तुम्हारी शरारती आंखों ने बसेरा कर लिया है। मैं भी सोचूं कि मुझे तुम्हारे बिना और कुछ नजर क्यों नहीं आता। विनोद, ये दूरी नजदीकियां कब बनेगी? अरे कब क्यों, ये लो लो लो। अरे क्या कर रहे हो, सामने देखो। ये चिट्ठी क्या है? ये क्या मजाक है, दो ना। हम तो पढ़ेंगे। दो चिट्ठी दो। मीना 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 मीना, मैं करता हूँ मेरी चिट्ठी चिट्ठी। तुम दूसरे कब से हो गए? भगवान के लिए मेरी चिट्ठी दो प्लीज। अच्छा बाबा, तुम भी क्या याद करोगे कि सही लड़की से पाला पड़ा था। खुश, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे चिट्ठी में तुम्हारी जन्म कुंडली लिखी हो। सच मानो तो इसमें कुछ ऐसी बात है। अरे हम मॉडर्न लोग हैं, इन चीजों की परवाह नहीं करते। कम ऑन, लेट्स गो। क्या बात है, ये भीड़ कैसी? हाँ क्या हुआ माँ? बेटी मेरी सांसें तेरा ही इंतजार कर रही थी। मैं इससे जरा हौसला, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब सब तुझे ही ठीक करना है बेटे, तुझे बता कर नहीं जाऊंगी। तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी बेटे। किसकी आत्मा को माँ? उसकी आत्मा को जिसने तुझे जन्म दिया था बेटे। माँ क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ नहीं सुनूंगा माँ, कुछ नहीं। सुन तो बेटे, हरे पगले, मेरा रिश्ता और मेरा दर्जा उस माँ से बड़ा है जिसने तुझे जन्म दिया था बेटा। मैं तो विधवा थी बेटे, तुझे कहां से जन्म देती। मेरी अभागी छोटी बहन मरते मरते चीखी थी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। घर में एक फूटी पौड़ी भी नहीं, मेरे सारे जेवर तो शराब और जुए में हार चुके हैं। अब क्या रखा है मेरे पास? देखो जानकी, देखो जानकी, ऐसी बात नहीं करते। वाह
हार तो बहुत सुंदर है। शर्म करो, अब मेरे सुहाग की निशानी मंगलसूत्र पे नजर है तुम्हारी। अच्छा, तुम्हें अपने सुहाग से ज्यादा सुहाग की निशानी भी है? नहीं, ये मैं नहीं दूंगी। छोड़ दो इसे, मेरा मंगलसूत्र छोड़ दो। मैं कहती हूँ मेरा मंगलसूत्र छोड़ दो। तेरा पिता कभी लौट कर नहीं आया। उसका नाम क्या है माँ? बताओ माँ, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम सुरेंद्रनाथ है। तब वो बंबई में रहता था। उस अलमारी में चिट्ठियां हैं उसने तुम्हारी माँ को लिखी थी। जिसने तुम्हें दिया था उसकी आखिरी निशानी है ये। उसकी आखिरी निशानी मैं? मैं बेटे, ये दुनिया तेरे बाप जैसे जालिमों से भरी पड़ी है। किसी पर भरोसा मत करना बेटे। लोग अपना भला कर लूट लेते हैं बेटे। गंगा जल बेटे। माँ, तूने मुझे जन्म दिया और मुझे तेरा चेहरा भी याद है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे तेरी गोद छीन ली। मैं कितना बदनसीब हूं मां, कितना बदनसीब। अगर तेरा पति जिंदा है मां, तो मैं उसे ढूंढ कर तेरे चरणों में ला गिराऊंगा। तुझ पे किए हुए अत्याचारों का बदला लूंगा मां, बदला लूंगा। मुझे तेरी कसम। चंदा, इतने दिन में ऐशो आराम से यहां रह लिया, तुमने बहुत एहसान किया मुझ पर। अब मैं यहाँ ज्यादा रहकर तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अब मैं जाना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो चंदू? मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी खुद ही एक बोझ बन गई है। तुम तो मेरे लिए एक पतवार बनकर आए थे, और मैंने जिसके सहारे इस पाप की नदी से उस पार जाने की उम्मीदें लगा रखी थी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ चंदू, मेरे पास ऐसा कुछ है भी तो नहीं। कौन से अक्सर रोकूं तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा मत करो चंदा। इंसानियत और रहम जिसके पास है उसके पास सब हक हैं। तो फिर तुम मत जाओ चंदू। अगर तुम रुक गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर तुम यही चाहती हो चंदा, तो ठीक है, मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगा। सच? सच। Ah.
₹50। अरे भाई ये तो खामा रोड है, सामने वाली बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, मुझे मोगल लेन जाना है। जी हाँ, आजादी से पहले यही रोड मोगल लेन पर आती थी। यही मोगल जी? कौन सा पान खाओगे बाबूजी? भाई साहब तीन वाली चाल का। तीन वाली चाल? वो रही बिल्डिंग। ये तो अशोक अपार्टमेंट है। यही तो वो टीन वाली चाल है बाबूजी, जिसे बंबई कंस्ट्रक्शन वालों ने तोड़ के बनाया है। उस टीन वाली चाल में एक सुरेंद्र नाथ जी रहते थे, आप उसे जानते हैं? बाबूजी, ये बंबई है बंबई। पिछले 25 सालों के अंदर कई सुरेंद्र नाथ जी आए और चले गए। आप कहो कौन सा पान खाओगे बाबूजी? अरे विनोद, तुम कब लौटे? जी अभी आया। अच्छा, ऊपर अम्मा आओ ना, आओ बेटे आओ। हाँ, तुम्हारी माँ साथ नहीं आई क्या? क्या बात बेटी? जी जी उनका देहांत हो गया। अरे बहुत दुख है सुनकर, बीमार थी क्या? कुछ यूं ही समझ लीजिए कि शरीर बहुत पहले जल चुका था, मेरे लिए मौत अब हुई। मैं समझा नहीं बेटी। डैडी, क्या सभी बाप आपकी तरह अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं? हाँ, अगर सभी बच्चे तुम्हारी तरह प्यारे हों तो जरूर करते हैं। नहीं डैडी, कुछ बाप अपने बच्चों को दुनिया में लाके सड़कों पे भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। सभी बाप आपकी तरह नहीं होते, कुछ बाप जल्लाद होते हैं, जल्लाद। भाई क्या हुआ विक्रम? बेटी जाकर आराम करो, सफर से आए थक गए हो।
ये लो विक्रम, अपने बेटे के लौट आने की खुशी में। क्यों कहो? बेटे के खो जाने के कम क्या? अमित, आज मुझे मेरा बेटा बहुत याद आ रहा है। पता नहीं कहाँ होगा, ना जाने जिंदा भी होगा या नहीं। बोलते हो ना, गाते हो ना गाने देते हो, मुंह ऐसे सुझा के रखे जैसे तुम्हारा कोई मर गया हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे ऐसे अनजाने में गलत बात निकल गई। गलत नहीं, सही। आज मुझे यूं लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर का कुछ मर गया हो। मेरा इंसानी रिश्ते ना तुझसे विश्वास उठ गया है। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? ऐसी बात नहीं, तुम तो बहुत भोली हो, लेकिन कभी इंसान की ऐसी मजबूरियां होती हैं कि उसका अपना सब कुछ होते हुए भी उसे अपना कुछ नहीं लगता। बेटी,
सुख दुख तो जिंदगी में आते जाते ही रहते हैं। अकलमंदी इसमें है कि आदमी आगे के बारे में सोचे। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गया, वो चौधरी साहब शादी के लिए जिद कर रहे हैं। पिताजी आप तो जानते हैं कि आजकल कुछ मेरे दिल की हालत। मैं समझता हूँ, खूब अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन देखो बेटे, आदमी मरों के साथ मर नहीं जाता, दुनिया के कारोबार तो यूं चलते रहते हैं। नहीं पिताजी, बात वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। तो क्या बात जी? वो किसी पर भरोसा मत करना, लोग अपना भला कर लूट लेते हैं बेटे। देखो विनोद बेटे, कुछ फैसले अपने बुजुर्गों पर छोड़ देने चाहिए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बाप, मैं चौधरी साहब से कहता हूँ कि वो शादी की तैयारी करें, समझे? विनोद साहब से बात कर सकता हूँ? जी वो सो रहे हैं। जी काम जरा मुझे अर्जेंट है। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा फोन। फोन वन छोड़ो, सुन लेगा। हेलो। बड़ा रोमांस हो रहा है बरखुदार जी। सुहाग रात मुबारक हो बेटे। आप इतनी सवेरे सवेरे? क्या करूं बेटा, सवेरे सवेरे महेंद्र आकर परेशान कर रहा है। तुम थोड़ा सा बंदोबस्त कर देते तो मैं उसका मुंह बंद कर देता। ठीक है, मैं भी आता हूँ। जीते रहो बेटे। मीना, किसका फोन था? मीना कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सकता है, थोड़े ही दिनों के लिए चाहिए। मिल जाएंगे। पूछोगी नहीं क्यों और किस लिए चाहिए? तुम्हारी चीज तुम्हें देनी है तो फिर पूछना कैसा, जितने भी चाहिए हो। अलमारी की चाबी मेरे तकिए के नीचे पड़ी है, ले लो। सिर्फ 5 लाख? कुछ दिनों में और ला दूंगा, एक साथ सब लाना जरा मुश्किल है। कोई बात नहीं, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है बेटे। अच्छा करो तुम जाओ, बहुत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ठीक है ठीक है। महेंद्र ये रहा तुम्हारा हिस्सा। सिर्फ 1 लाख? विक्रम तुम और मैं स्टील में 50-50 के पार्टनर्स हैं। देखो महेंद्र एक बात बताओ, इस नाटक का लेखक कौन है? विक्रम। प्रोड्यूसर कौन है? विक्रम। डायरेक्टर कौन है? विक्रम। अब रहे कलाकार, तो वो विक्रम भी है, महेंद्र भी है, चंदाबाई भी है, और भी बहुत से लोग हैं। फिर तुम्हें बताओ, तुम्हें आधा हिस्सा कैसे दिया जा सकता है? विक्रम, बेईमानी के धंधे में चोरों को आपस में ईमानदारी बरतनी चाहिए, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। यार महेंद्र यही एक बात बोली है तुम्हें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। घबराता क्यों है? अभी तो सोने की मुर्गी ने पहला अंडा दिया है। ये बेरहम शहर जिसने मेरे दोस्त चंदू को निगल लिया, जिसकी किसी इमारत में मेरा बाप छुपा हुआ है,
लेकिन मैं उसे ढूंढूं तो कहां कहां ढूंढूं कहां। जिस चाल में तुम रहते हो वो चाल तो टूटने वाली है। कब होगा हमारा नया घर, कब होगी हमारी शादी? उफ, मैं तो तंग आ गई समुंदर के किनारे मिलते मिलते। अरे स्वीटहार्ट, घबराती क्यों हो? नई बिल्डिंग में बॉम्बे कंस्ट्रक्शन वालों ने मुझे एक फ्लैट देने का वायदा किया है। जिस जगह पर हमने अशोका बिल्डिंग बनाई वो तो हमने मिस्टर सुरेंद्रनाथ से खरीदी थी, जो वही एक शेक में रहते थे। जी हाँ, मैं वही सुरेंद्रनाथ के बारे में पूछ रहा हूँ। उनका नया एड्रेस होगा आपके पास? नया एड्रेस कैसा? बदले में उसी बिल्डिंग में उन्हें एक टेरेस फ्लैट दिया गया था। टेरेस फ्लैट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस फ्लैट में तो डैडी रहते हैं। थैंक यू। हर रोज बीवी से पैसे मांगते हुए अब मुझे शर्म आती है पिताजी। क्या करूं बेटे, शर्म तो मुझे भी बहुत आती है। बस यूं समझो कि बहुत से कर्ज ले रहा हूं, बिजनेस ठीक होते ही सारे पैसे उतार दूंगा। आप इस फ्लैट में कब से रह रहे हैं पिताजी? शुरू से। क्यों? तब तो आप सुरेंद्रनाथ को जरूर जानते होंगे। सुरेंद्रनाथ, ये नाम तुमने कहां से सुना? वही तो आपसे पहले इस फ्लैट में रहता था। ओ अच्छा अच्छा, वो कैंसर का मरीज, वो तो बेचारा मर भी चुका होगा। पर बेटे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे? जी वो नीचे कोई पुलिस वाला उसकी पूछताछ कर रहा था। खैर जब वो मर ही गया है तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। अब मैं चलता हूँ, देर होगी। लड़की तुम्हारी क्या लगती है? लड़की? कौन सी लड़की? सैंड्रा, अभी न्यूयॉर्क से आई है, मेरी अचानक मुलाकात हो गई। और क्या? मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता। तो क्या वो झूठ बोल रही है? ऐसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी न्यूयॉर्क, मेरा मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने जाना है। तुम अमेरिका में कित? मत करो अमेरिका की बात। क्यों? अमेरिका में मेरा दिल ही है। वो तो डैडी की जिद थी कि मैं भी आया। प्लीज अंकल। ओ बेटे, न जाने कहां कहां से ढूंढता हुआ आ रहा हूं। कल बाकी के पैसे चुकाने हैं। ओह, सिर्फ 5 लाख ही तो बाकी रह गए हैं। अब झंझट खत्म करो, तुम भी चैन की सांस लो और हम भी आराम करें। मैं कोशिश करूंगा। हाँ, कोशिश नहीं, रात तक अगर पैसे ना पहुंचे तो सब ये धरे पर पानी पड़ जाएगा। में भी तुम्हें किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ? हुआ? किससे? अपनी बीवी से। इन्हें तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? 500 है, कुछ खरीदना है? 500 नहीं, 5 लाख चाहिए, एक सौदे में लगाने। 5 लाख तो नहीं है, जो थे मैं तुम्हें पहले दे चुकी हूँ। और ये तुम आए दिन कैसे सौदे करते हो, जिसमें पैसे जाते तो हैं लेकिन आते नहीं। तुम नहीं समझोगी, ये सब बिजनेस की बातें हैं, समझी? बहुत जरूरत हो तो डैडी से मांग लेना। गुड नाइट। आज जितनी जल्दी उठ जाए। मुझे नींद आ रही है, लेकिन मेरा दिल कुछ और चाहता है। इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ और देर बातें करेंगे। अभी तुम सो जाओ, बातें सुबह करेंगे। क्या तुम पैसों वाली बात से नाराज हो? नहीं तो? तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे अपने आप पर है। तो फिर सच बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो?
ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे भी नहीं कह सकते? ऐसी कोई बात हो सकती है? होनी तो नहीं चाहिए। घबराओ मत, है भी नहीं। अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम क्या करने जा रहे हो? अपने ही घर पे डाका, अपनी ही बीवी से चोरी। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। जिस आदमी ने मुझे बाप का प्यार दिया, क्या वो मेरे ही कारण जेल जाएगा? नहीं, कभी नहीं। रही आपकी किस्त पिताजी, उम्मीद है आपकी 20 लाख रुपए की रकम पूरी हो गई होगी। जेवर बहू के हैं और मुझे चोरी करके लाने पड़े। नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझ जैसे बूढ़े को बचाने के लिए तुम चोरी करो, और वो भी मेरी बहू की। जाओ, ये जेवर वापस ले जाओ। पागल हो गए विक्रम, साख बनी रहेगी तो ऐसे जेवरों से बहू को लाद दोगे? कुछ ही दिनों की तो बात है, चूम लो। विक्रम, अब इस लौंडे से और माल निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई पैंतरा नहीं। घबराओ नहीं महेंद्र, मेरे पास ऐसे ऐसे पैंतरे हैं कि जज्बाती लौंडा जिंदगी भर मेरे इशारों पर लट्टू की तरह नाचता रहेगा। क्या बात है, सोए नहीं अभी तक? नहीं, आँख खुल गई है। तो क्या सोचा है तुमने? दिमाग तो कुछ और ही चाहता है, लेकिन दिल नहीं मानता। जागने से पहले के सपनों में खोया रहना चाहता है। अभी दिल की बात मान लो, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बहुत प्यार जता रहे हो तुम। हो इतनी प्यारी, मतलब तो निकल गया, अब प्यार की क्या जरूरत है? प्यार मतलब नहीं। हाँ, मतलब से जो प्यार किया जाए वो प्यार नहीं होता। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? पागलपन में होश की बातें करती रही और होश में पागलपन कर बैठी। तो बेटा, मैं कह रहा था जमाना था अंग्रेज का और लड़ाई थी जर्मन की। कलकत्ते के सेठ लक्ष्मीदास ने उनका दिवाला टूट गया और उनकी सारी की सारी मिल मैंने 1 लाख रुपये में खरीद ली। इस वक्त उस मिल की कीमत 70-80 लाख से कम नहीं है और वो जलंधर वाली फैक्ट्री ना गंजी बने उनकी होलसेल मिल जाती। भाई देखो, ये नाम हमसे कभी ठीक तरह बोला नहीं गया, हम तो गंजी बने जानते हैं। इसके अलावा बेटा, दिल्ली का बिजनेस है, बंबई का कारोबार है, सब मिल मिला के को 8-10 करोड़ रुपए का धंधा है और ये सब तुम्हें संभालना है। मैं ठहरा बुगदाद में, ना जाने कब ऊपर वाले का बुलौवा आ जाए। डैडी, इतनी जल्दी भी क्या है पिताजी, हम अभी ना समझी तो है, और फिर इतना बड़ा कारोबार, करोड़ों का मामला, कहीं ना संभाल पाए और धोखा खा गए तो? धोखा? बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे घर जवाई को धोखा नहीं दे सकता। और सुनो डैडी, आपने कभी बेर खाए हैं? लो सुनो, ये बेर कहाँ से आन टपके बिजनेस में?
नहीं सुना है चोरी के बेर बड़े मीठे होते हैं। अरे बेटा विनोद कहाँ चले? सुनो क्या, तुम दोनों में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? डैडी आपके दामाद से झगड़ा करना बहुत मुश्किल है, बेचारा सीधा साधा है, बहुत भला मानुस है। हाँ वो तो भला मानस है, लेकिन तू तो है 12 गज जुबान वाली, तू कहाँ बाज आने वाली है? जरूर कुछ ना कुछ कह दिया होगा मजाक में। यही तो समझ में नहीं आता डैडी, मजाक क्या है, हकीकत क्या है? मेरे भगवान, जहाँ तूने इतने बड़े संसार को रचा, मुझे भी तो तूने ही पैदा किया है, तो फिर सारी दुनिया की गम और आजमाइशें मेरी झोली में ही क्यों डालती? मैंने तो कभी तुझसे ज्यादा नहीं मांगा। एक भला मानस भले मनसियत की जिंदगी बसर करना चाहता है, तो फिर तूने उसे एक ऐसे दो राह पे लाके क्यों खड़ा कर दिया कि अगर वो अपने देवता समान बाप की मदद करता है तो बीवी का मुझे और नहीं तो बाप का। अब तू ही मुझे राह बता भगवान, तू ही मुझे राह बता। चंदू, आनंद, आनंद मेरे यार, चंदू मेरे दोस्त। आनंद तू कहाँ था? कहाँ खो गया था? तुझे बहुत तलाश किया। आनंद, वक्त ने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तुम अंदर आओ, तुमको सब सुनाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी कहानी भी सुनूंगा। चलो है तुम यहाँ? इनसे मिलो आनंद। तुम यहाँ रहते चंदू? हाँ क्यों? इस औरत के साथ? ये औरत नहीं आनंद, ये तो देवी है। देवी नहीं, गश्ती है, एक बदचलन गश्ती। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इसका गला घोट दूंगा। क्या कर रहे हो आनंद? तुम नहीं जानते चंदू, जो इसने मेरे साथ किया अगर तुम्हें पता चले तो तुम भी इसका गला घोटोगे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गए आनंद, छोड़ दो इसे। हाँ मैं पागल हो गया हूँ। इसे पूछो कहाँ है मेरे 20 लाख रुपए, कहाँ छुपाए इसने? रुपए भी उन्हीं लोगों के पास है जो खुद छुपे हुए हैं। रुपए? आखिर मामला क्या है चंदा, क्या हुआ आनंद, बात क्या है? मैं बताता हूँ चंदू, मैं एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हूँ और हथियार है ये। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। चंदा ये आनंद मेरा सब कुछ है और तुम मेरी हमदर्द हो, तुम इसके खिलाफ और ये तुम्हारे खिलाफ, आखिर ये हुआ क्या है? जो नहीं होना चाहिए था वही जो मैंने कभी नहीं करना चाहा, पर मुझे हमेशा करना पड़ा। मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ वो किया जो दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर थी चंदू। मैं अच्छी औरत तो नहीं लेकिन बुरी भी नहीं, एक कठपुतली हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं क्या आप मुझे उन लोगों का नाम और पता बता सकती हैं? आज रात को होटल ब्लू डायमंड में मैं उन्हीं के लिए प्रोग्राम कर रही हूँ, तुम रूबरू आकर मिल लेना। क्या है ये भी जानती हूँ मैं, जो तू कहे जो तू कहे तुम्हें बोल तेरे खोल दूँ, जो तू कहे तुम्हें बोल तेरे खोल दूँ, तेरे राज में तेरे राज में ज़माने को बोल दूँ, तेरे राज में ज़माने को बोल दूँ, जो तू कहे तुम्हें बोल तेरे खोल दूँ, जो तू कहे तुम्हें बोल तेरे खोल दूँ। उम्र में की है इन्होंने चौथी शादी, 16 साल की दुल्हन
हट जाते जो तू कहे, जो तू कहे तो मैं पोल तेरे खोल दूँ, जो तू कहे तो मैं पोल तेरे खोल दूँ। हमारी महफिल में अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं क्या बकवास हो रही है। और यहां क्यों? बेटे को बाप की महफिल में देखकर ताज्जुब हो रहा है। खूब निराली है तुम्हारी महफिल, जहां बदमाश साथ मिलकर जाम टकराते हैं और एक शरीफ लड़की तवाफ बनकर मुजरा करती है। बहुत ही कमीने आदमी हो तुम। जी जी जी, ये शायद बाप बेटे के रिश्ते में बहुत घटिया लगता है। और बाप के रूप में तुम और भी ज्यादा घटिया लगते हो। घटिया ही नहीं बल्कि शैतान थे। शुरू से आखिर तक फरेब का एक लंबा चाल। शादी मेरी और दौलत पे तुम्हारा हक। इतना बड़ा बाप बेटे का नाटक, इतने सारे कलाकार और दर्शक, सिर्फ एक मैं अकेला बाप बनकर बेटे को लूटा। मैं वो यतीम हूं जिसने कभी बाप का प्यार नहीं जाना, बाप की शक्ल तक नहीं देखी। बाप मिले तो समझा बाप मिल गया, सोचा बाप का प्यार ऐसा ही होगा, पर नहीं। यह तो तिजारत के बाजार में बाप बेटे को खरीद रहा है। सौदा खत्म हुआ सेठ, पर यह ना समझना कि नाटक भी खत्म हो गया। नाटक का आखिरी सीन पुलिस स्टेशन में होगा। देखो बरपरदार, तुम नाली के कीड़े थे, हमने तुम्हें महल में बिठाया। तुम दो टके की नौकरी के लिए सड़कों पर घूमते फिरते थे, हमने तुम्हें करोड़ों रुपए की जायदाद का वारिस बनाया। तुम गूंगे थे, गूंगे, हमने तुम्हें जबान दी, और आज उसी जबान से तुम हमें गालियां दे रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर सोच लो कि हमने जो कुछ भी किया उस साजिश में तुम बराबर के हिस्सेदार। पुलिस स्टेशन पर जाकर कहोगे क्या कि मेरा नाम विनोद नहीं आनंद है, कि मैं कभी अमेरिका नहीं गया, कि मैंने विक्रम का नकली बेटा बनकर चौधरी और उसकी बेटी को फांसा? सोच लो, इसमें बीवी तो हाथ से जाएगी ही, साथ ही साथ 420 के इल्जाम में जेल में चक्की भी पीसनी पड़ेगी, समझे? तुम समझदार हो बच्चे, अच्छी तरह सोच लो। आना नहीं, मैं जानती हूँ मेरी प्यार की आड़ लेकर तो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते थे। दुख तो यह है मीना के धोखा देने के रास्ते पर चल पड़ा था, और अगर धोखा दे देता
तो मैं अपनी इस बेईमान आत्मा को लेकर कहां जाता? अब तो तुम मुझसे नफरत भी करने लगो तो कम है। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं मिला, मुझे माफ करना। आनंद, कुदरत ने हमें नफरत के लिए नहीं प्यार के लिए बनाया है। तुम्हारी अनजानी गलती को अगर मैं प्यार ना कर सकूं तो मेरे प्यार की कीमत ही क्या है? मेरे प्यार को इतना छोटा ना करो आनंद। मैं सब समझती हूँ आनंद, विक्रम तुम्हारे पिता नहीं तो क्या हुआ, उनके इरादे नेक नहीं तो क्या हुआ। हमारा प्यार तो साबित और एक है। जिस तूफान में तुम गिर गए हो, तुम अब अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। काम बन गया, लगता है मुझे टीवी सेंटर पे नौकरी मिल जाएगी। रियली? मुबारक हो, लेकिन इस खुशी के मौके पे तुम्हें मुझे भी कुछ देना चाहिए। अरे मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। चंदा तुम उससे शादी करना, सच्ची। अब तुम्हें इन अय्याश लोगों के सामने उनका दिल बहलाने के लिए नाचने गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई तो, लेकिन अपनी मजबूरियां याद आते ही दिल सहम गया। क्या बात कर रही हो चंदा, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें मुझसे शादी करने को रोकती है? है चंदू, बात बहुत पुरानी है, उन दिनों की, जब मैं नई नई बॉम्बे आई थी। एक दिन मुझे एक डांसिंग स्कूल में डांस सिखाने की नौकरी मिल गई। मैं नहीं जानती थी कि ये डांसिंग स्कूल हकीकत में शरीफ लड़कियों को बुरी राह पे लगाने का एक अड्डा था। चलती या चलो, तुमने बहुत हिम्मत और बहादुरी का काम किया। मैं खुद हैरान था कि तुम्हारे जैसी लड़की इस बदनाम अड्डे पर क्या करेगी। घबराओ नहीं, किसी को मालूम नहीं होगा कि तुमने अपनी आबरू बचाने के लिए गुंडे का खून किया। लाओ ये मेरे पास ले लो। कैसे मोह है चंदू, इसलिए तो मैं आज तक महेंद्र के शहरों में नाचती रही हूँ। चुनाव उसके पास है और इस पे मेरी उंगलियों के निशान है। इसका मतलब ये है, अगर वो सबूत हासिल कर लिया जाए तो महेंद्र नाथ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
चाकू ढूंढने आए हो? नकली था, प्लास्टिक, लेकिन ये असली है, लोहे का। कहो तो चला के दिखाऊं? तो फिर आज से तुम हमारे मेहमान। अब क्यों बुलाया है मुझे? बरकोटदार, तुम्हारे ऐसे रिश्ता तोड़ देने से क्या बाप बेटे का रिश्ता टूट जाता है? बैठो। मतलब की बात कीजिए। मतलब तो वही पुराना है बेटे, तुम्हारे ससुर की दौलत में से हमें थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब आप पैसे की मुझसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा चलो तुम ना सही, तुम्हारे ससुर से तो मांग सकता हूँ। ये चिट्ठी तुम ले जाओगे या किसी और के हाथ भेजा दूं? देखते क्या हो, मदद मांगिए, तुम्हारी असलियत नहीं खोली। समझी जी, कारोबार में कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि मदद मांग रहा हूं। हो सके तो कुछ दिन के लिए 2 लाख रुपया कृपया कर्ज के तौर पर विनोद के हाथ भेज दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी। आपका विक्रम। ये हैंडराइटिंग। सुरेंद्रनाथ ही आज का विक्रम है। ये कैसी भगवान की मर्जी है, जिस आदमी ने मां के जीवन को बर्बाद कर दिया, बेटे को उसी के हाथ में कठपुतली की तरह नाचने को छोड़ दिया। विक्रम, जिसने मुझे इस बेरहम दुनिया में भूखा मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। विक्रम, जिसने करोड़पति की दौलत हड़प करने के लिए मुझे उसकी बेटी से शादी करने पर मजबूर किया। विक्रम, जिसने मुझे मेरी बीवी के जेवर चोरी करने पर मजबूर किया। विक्रम, अब मैंने तेरा चेहरा पहचान लिया। हर जुल्म का हिसाब होगा, अब हर आंसू की कीमत आंसू में वसूल होगी। आनंद, ये अकेले में किससे बातें कर रहे हो? मीना, जिस आदमी की मुझे बरसों से तलाश थी, जिसने मेरी माँ, मेरी और तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दिया, जानती हो कौन है? कौन है? विक्रम, मीना, विक्रम। विक्रम? हाँ, विक्रम। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी। मैं इंसाफ करूंगा मीना, मैं इंसाफ करूंगा। मैं उसका खून करूंगा। नहीं, उसके पापों का घड़ा तो भर ही चुका है, आज नहीं तो कल अपने जुर्मों का हिसाब देगा। लेकिन उसका खून करके तुम जरूर फांसी चढ़ जाओगे और मैं बेवा कहलाऊंगी। ये कैसा इंसाफ होगा जो तुम्हें और मुझे बर्बाद कर देगा? शायद तुम भूल गए आनंद, जिसका खून करने जा रहे हो वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना बाप है। भूल गए कि तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप के साथ साथ उस देवी का खून भी बह रहा है जिसने तुम्हें जन्म दिया। क्या उसके दूध का अमृत तुम्हारी नफरत के जहर को खत्म नहीं कर पाया? तुम क्या चाहती हो, मैं ऐसे जल्लाद को कुछ और मासूम घरों को बर्बाद करने के लिए जिंदा छोड़ दूं? सांप को मारे बिना उसका विष बेकार नहीं किया जा सकता।
हेलो। क्यों बच्चे, हमारी चिट्ठी अपने ससुर जी तक पहुंचाई या हम खुद बात करें? तुम्हारा काम हो गया विक्रम, मैं आ रहा हूं। बस एक हार, हमने तो 2 लाख रुपए मांगे थे। बहुत कीमती है, आप जौहरी हैं, परख के देखिए ना। बीबी से मांग कर लाए हो या चोरी किया है? जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आज बड़ी पहेलियों में बातें कर रहे हो, क्या बात? यार तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा था ना, हार बहुत कीमती है। यह हार तुम्हें कैसे मिला? जरूरी नहीं कि आपकी हर बात का जवाब दिया जाए। मैं चलता हूं। आनंद, ये मंगलसूत्र तुम्हें कहां से मिला बताओ, प्लीज। प्लीज? आपके मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता। बकवास बंद करो, बोलो बोलो मैं कहता हूं। एक भूखे बीमार को अपने इलाज के लिए 50 रुपए की जरूरत थी, उसी से खरीदा है। कहता था मेरी मां की आखिरी निशानी, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि यह हार 2 लाख से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम उसके पास में चले चलो। क्यों? तुम नहीं जानते, वो मेरा बेटा है। आपका बेटा? लेकिन वो तो अपने बाप का नाम सुरेंद्रनाथ बताता था। हाँ, मैं ही तो वो सुरेंद्रनाथ हूँ। इसका मतलब सुरेंद्रनाथ कैंसर से नहीं मरा। खैर कोई बात नहीं, उसका बेटा जरूर कैंसर से मर जाए। यू शट अप आनंद, मुझे फौरन ले चलो। सुरेंद्रनाथ जी, बात धंधे की है। आप तो मेरी शादी के पैसे वसूल कर ही चुके हैं, अब मुझे अपनी कीमत चाहिए, एक बाप को अपने बेटे से मिलाने की। कीमत कितनी? ज्यादा नहीं, जितने पैसे आपने मुझसे वसूल किए हैं उतने ही। फर्क सिर्फ इतना कि एक ही किश्त में 20 लाख। सोच लीजिए, हो सकता है कि 20 लाख रुपए की रकम आपके बेटे की जान से ज्यादा हो, और अगर ऐसा है तो कुछ ही दिनों में आपको अपने बेटे की लाश मिल जाएगी, और वो भी मुफ्त। कमीने! चिल्लाइए मत, आपका और 20 लाख रुपयों का मैं इंतजार कर रहा हूं अपने घर में। आनंद, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो आएगा? अगर उसमें जरा सी भी शराफत बाकी है तो वो जरूर आएगा। आनंद साहब, मैं रुपए उस जेवरात ले आया हूं। आप बैठी, मैं चाय बिछाती हूं। क्यों सुरेंद्रनाथ जी, पैसे तो पूरे हैं ना? गिन लीजिए। बेईमान आदमी की जात का भी क्या भरोसा, गिनने में ही 25-50 मार जाए। क्यों? आप मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो जल्दी। अजी इतनी जल्दी भी क्या है, चाय आ रही है, चाय पी के चलते। नहीं 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 आनंद, देखो मुझे मेरे बेटे से मिलना है आज ही इसी वक्त। सुरेंद्रनाथ जी, मुझसे मिलिए, समझिए अपने बेटे से मिलिए। आनंद आनंद, देखो ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक तो मुझे भी पसंद नहीं सुरेंद्रनाथ जी। आपको जल्दी है तो चलिए, आपके बेटे से मिलवाने का बंदोबस्त करते हैं। मीना, चाय इन पे बर्बाद मत करो, हम जा रहे हैं। बैठे क्यों, चलिए ना। इन गरीब मरीजों को देखते हो, इन बेचारों का ठीक से इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इलाज के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए आया हूं। क्या? इन्हीं लोगों में से एक तुम्हारा बेटा है। कौन सा? यहां तक तो तुम्हें ले आया, अब थोड़ी सी कोशिश तुम भी करो। कैसे बाप, अपने बेटे तक तो नहीं पहचानते? जाओ, इन्हीं लोगों में से तुम्हारा बेटा है, जाओ। ये तो 35-40 साल का लगता है, जबकि मेरे बेटे की उम्र 25-26 की होनी चाहिए। बाप छोड़ गया हो, मां मर गई हो, सिद्ध की भूख और बीमारी की गोद में गुजारी हो, तो आदमी जवानी में ही बुरा लगने लगता है ना? तुम्हारा नाम क्या है?
तुम्हारा क्या नाम है बेटे? मोहन सिंह। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? नाम लेते हुए शर्मा जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? और बात अगर पहचानने में मुश्किल हो रही हो तो क्यों ना इनका खून टेस्ट करवा लिया जाए। सुना है बेटे की रगों में बाप का खून बहता है। तुम मजाक कर रहे हो और मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। आप अपने बेटे को मिलने को तड़प रहे हैं और आपका बेटा इलाज के लिए तड़प रहा है। इन सबका इलाज करवा दीजिए, अपने आप आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। सोच लीजिए आनंद। दोस्तों अगर आप लोग समझ रहे हैं कि सुरेंद्रनाथ और विक्रम कोई दानवीर करण है या भला मानस है तो ये आप लोग की भूल है, क्योंकि आपका इलाज कराने में उसका अपना स्वार्थ है। आप लोगों में वो अपना खोया हुआ बेटा ढूंढ रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज बराबर चलता रहे तो जैसा मैंने आपको समझाया है वैसा ही करिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग के पिताजी आ रहे हैं। बटवार अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। बेटे तुम किस गांव के रहने वाले हो? माधोपुर का। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? क्या कीजिएगा जानकर। मेरी माँ का नाम था जानकी। बेचारी जानकी का ही नसीब लेकर आई थी। जिंदगी भर अपने राम के बिना तड़पती रही। सीता तो अग्नि परीक्षा से बच निकली लेकिन मेरी माँ को आग के शोलों ने निगल लिया। बेटे तुम कहाँ के रहने वाले हो? माधोपुर का। क्यों? ये मंगलसूत्र पहचानते हो? ये मंगलसूत्र नहीं, फांसी का फंदा है जिससे मेरे बाप ने मेरी माँ की जान ली थी। मैं समझा नहीं। मेरा बाप मेरी माँ से उसके सुहाग की ये निशानी भी छीनना चाहता था। अगर वो दे देती तो बेचारी जल के ना मरती। और मैंने ये मंगलसूत्र 50 रुपए में बेच डाला। अगर ये मंगलसूत्र मेरे पास होता तो मैं सुरेंद्रनाथ के मुंह पर दे मारता और बदले में माँ मांगता। हाँ, और जिसे बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है। अपने बाप से इतना नफरत नहीं करती। पता नहीं बेचारी की क्या मजबूरियां रही हूँ। डॉक्टर प्लीज प्लीज टेक स्पेशल केयर ऑफ हिम। क्या हुआ मेरे बेटे को? सेठ साहब ये लड़का हमारे पास बहुत देर से आया। हमें अफसोस है कि हम इसकी जान बचा ना सके। आप क्या कर रहे हैं सेठ साहब? हिम्मत रखिए। मैं अपने बेटे से माफी तक नहीं मांग सका। मैं अपने बेटे का कातिल हूँ। मैंने अपने बेटे को मार डाला। मैं कातिल हूँ, कातिल, कातिल। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। देखो बेटे, भगवान ने मुझे कैसा बदल लिया। अरे भगवान के पास इतनी फुर्सत कहाँ? जो तुम्हारी काली करतूतों का हिसाब रखे। बदला लेना तो हमारे तुम्हारे आपस का काम है। घबराओ मत, तुम्हारा बेटा मरा नहीं। हाँ, वो जिंदा है। सच? सच कहाँ है वो? इतनी जल्दी भी क्या है, आपस का हिसाब किताब पूरा हो जाए सब बता दूंगा। जाओ घर जाओ, घर जाओ, बहुत देर हो रही है। जाओ जाओ घर जाओ, आराम कर। जाओ
आओ मीना घर चले। तुम्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता? आता है, लेकिन जब मैं उसकी की हुई जातियों को याद करता हूँ तो मैं बदले की भावना में तुम एक बात भूले जा रहे हो कि वो तुम्हारा बाप है। माफ कर दो उसे। अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ मीना, अभी तो उसे मेरे माँ के आंसुओं की कीमत चुकानी है। आनंद, मुझे तुमसे डर लगने लगा है, तुम अपने बाप जैसे लगने लगे हो। मेरी खातिर उसे असलियत बता दो। असलियत बताऊंगा मीना, असलियत जरूर बताऊंगा, लेकिन माधोपुर में जाकर उसे अपनी माँ की बुझी हुई चिता दिखाकर। क्या बात है, क्या मुझसे दिल भर गया है या मुझ में अब वो दिलकशी नहीं रही? हुआ ये है कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद? आनंद विक्रम का असली बेटा है, ये बात विक्रम को कल परसों तक मालूम हो जाएगी। आनंद चौधरी की जायदाद का वारिस तो बनेगा ही, विक्रम की जायदाद का भी वारिस पैदा हो गया। रह गए कौन, महेंद्र नाथ, सुठन ठन गोपाल। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं भी ऐसा गधा हूं कि घर आया हुआ माल मैंने विक्रम को लौटा दिया। कोई आया है? हा चंदा भाई, जहां भगवान मुश्किल पैदा करता है वहां उसका हल भी भेज देता है। चंदू कहां है महेंद्रनाथ? चंदा भाई, तुम चंदू पर मार मिटी और हमसे इजाजत तक नहीं दी, हमको बहुत बुरा लगा। कितने जलील हो तुम लोग, जिंदगी भर में तुम्हारे इशारों पे नाचती रही, तुम्हारा और तुम्हारे मेहमानों का दिल बहलाती रही, उसका ये बदला दिया तुमने मुझे। तुम क्या चाहती, चोरी के इरादे से घर पर आए वो चोर की मेहमान नवाजी करता? शुक्र करो मैंने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया। अब कहाँ है वो, जानना चाहती हूँ जी। तू अभी जिंदा है? अब समझी, ये सब तुम लोग की चाल थी। चंदू, चंदू यही है वो आदमी, मैं अभी जाती हूँ पुलिस के पास। चंदा भाई, कुदरत भी तुम्हारे साथ कैसे कैसे मजाक करती है। देखो ना, तुम आजाद हुई तो तुम्हारा चंदू कैद हो गया। चंदू कैद में बीमार भी हो सकता है और मर भी सकता है, लेकिन अगर चंदा भाई चाहे तो आजाद भी हो सकता है। विक्रम, कब तक ये लौंडा तुम्हें बेवकूफ बनाता रहेगा? लाखों रुपए तुमसे ले चुका है, शहर भर के भिखारियों का इलाज तुमसे करवा चुका है, लेकिन बेटे को मिलवाने में नहीं आता। हाँ, मिलवाए भी कैसे, बेटा जिंदा हो तब ना। बेटा जिंदा है सुरेंद्रनाथ, और अब वक्त आ गया है कि बाप को अपने खोए हुए बेटे से मिलवा दिया जाए। कल ठीक 4 बजे माधोपुर में अपने चले हुए घर पे पहुंच जाना। वहां अपनी स्वर्गवासी बीवी की समाधि पर पश्चाताप के आंसू बहाने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। आनंद, सेठ जी, आज तक आप लोगों ने जो कुछ कहा मैंने किया, लेकिन आज आज मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा होने वाला पति चंदू कुछ दिनों से गायब है, उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। मैं, ये आपके पास कैसे आया? तुम इसे पहचानती हो? जी हाँ, ये चंदू की माँ का मंगलसूत्र है। चंदू कौन से गांव का रहने? माधोपुर का। चंदा, सच सच बताओ, तुमको गलती तो नहीं कर रही? जी नहीं, कोई गलती नहीं कर रही हूँ, इसे मैं रात दिन देखती रही हूँ चंदू के पास। देखा विक्रम, मैं न कहता था, ये आनंद बहुत हरामजादा लड़का है, मैं अभी जाकर इसको खत्म। ठहरो महेंद्र, वो मेरा मुजरिम है, उसे मैं खत्म करूंगा, लेकिन बेटा मिलने के बाद। कल ठीक 4 बजे चंदू के मिलने के बाद विक्रम अपने बेटे को गोली मार देगा। अपनी गलती का एहसास होने से पहले पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस को इन्फॉर्म तुम करोगे। बाप बेटे के कत्ल के जुर्म में फांसी चढ़ जाएगा, और उसके बाद कंवर महेंद्रनाथ पूरी दौलत का मालिक बन जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज तुम्हारे पति और अपने पिता को वापस ला रहा हूं। इस जले हुए खंडर की तरह तुम्हारी आत्मा को सिर्फ इतनी शांति दे सकता था मां, सिर्फ इतनी शांति,
सिर्फ निशानी। आने आने, अपने बेटे से मिलने के लिए मैंने तुम्हारी हर शर्त मानी। आप बताओ कहाँ है मेरा बेटा? अब भी नहीं पहचान पाए पिताजी। आपका बेटा आपके सामने खड़ा है। कौन, कहाँ है? मैं। बदमाश, हमारी बिल्ली और हमें से मैं हूं। पता, मैंने तुझे चौधरी की दौलत के लिए अपना नकली बेटा बनाया और तू अब उसी दौलत को हड़प जाना चाहता है। बोल, मेरा बेटा कहाँ है? मैं ही आपका बेटा हूँ। झूठ है ये, पैसे की लालच में तू। नहीं पिताजी नहीं, मुझे पैसे की नहीं, बाप के प्यार की भूख है। मेरी बात मानिए, मैं ही आपका बेटा। आराम साधे। खबरदार, जो मेरी माँ को गाली दी तो आपके खून से ज्यादा अगर माँ के दूध का असर ना होता तो शायद ये हाथ भी उठ गया होता। तू शायद विक्रम को नहीं जानता, हाथ उठने से पहले तेरे हाथ काट दिए जाएंगे। इस खंडर में मेरी मरी हुई माँ की कसम पिताजी, मैं ही आपका बेटा हूँ। मुझसे ही चालबाजी है। अगर तू मेरा असली बेटा होता तो मेरे दिल से आवाज जरूर उठती। जरूर उठती पिताजी, पर तब जब आपके सीने में दिल धड़कता होता, पत्थर में आवाज नहीं उठती। देख कमीने, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, समझा? अब समझा, मेरे बेटे को खत्म करके तू मेरा बेटा बनना चाहता है। सुन ले आनंद, जैसे तूने मुझे बेटे के लिए तड़पा है ना, वैसे मैं भी तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैं तुझे भला मानुष समझता था, नहीं जानता था कि तू जहरीला सांप निकलेगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए, वरना एक बाप के हाथों अपने बेटे का खून हो जाएगा। आपका बेटा मैं नहीं, आनंद है। क्या बकते हो? चंदू ठीक ही कह रहा है, आनंद आपका बेटा है। चंदू को महेंद्र के चुंगल से छुड़ाने के लिए मैंने ही आपसे झूठ बोला था। तो वो मंगलसूत्र आनंद की माँ के निशाने है। बेटे विक्रम, बेटे से तो मिल लिए, बहू से नहीं मिलोगे? कमीने, दगाबाज महेंद्र, मीना को छोड़ दे, ये क्या नाटक है? ये वही नाटक है विक्रम, जिसके लेखक प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुम थे और मैं सिर्फ एक कलाकार। अब उसी नाटक का क्लाइमेक्स ये है कि उसका लेखक प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं हूँ और तुम सिर्फ एक कलाकार। मतलब? मतलब बिल्कुल साफ। अगर अपनी बहू की सलामती चाहते हो तो अपनी जायदाद के कागजात पर दस्तखत करके। मेरी दोस्ती का ये बता दिया तूने कमीने? दोस्ती? विक्रम, अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, हम दोनों ने दौलत के लिए दोस्ती की थी, आज दौलत सामने, दोस्ती किस बात? अपनी बहू की सलामती चाहते हो तो इन कागजात पर दस्तखत करो। अपनी बहू की जान की इतनी कीमत भी नहीं दे सकते। नहीं पिताजी नहीं। बेटे, इस दौलत को पाने के लिए मैंने तुझे खोया, आज अगर उस दौलत को खोकर तुझे पालू तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे बेटे, सारे पाप धुल जाएंगे। बाद में कहीं कागजात बदलने का ख्याल आए, इसलिए बच्चों बेहतर यह है कि बाप बेटे को इकट्ठा बांधकर आग लगा दे। कमीने, महेंद्र, तू है तुझमें। के लिए छोड़ दीजिए, आपको जितनी दौलत चाहिए मैं अपने डैडी से दिलवा दूंगी। इसीलिए तो तुमको जिंदा रखा है। ले चलो इसको।
पिताजी। नहीं नहीं बेटे, ऐसा मत करो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। पिताजी, कानून तो मुझे अपने पापों की सजा देगा ही, लेकिन अगर हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। तुम मुझे माफ कर। पिताजी,